अतः हम अपने पुत्र जमदग्नि के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। ऋषि जमदग्नि तुम्हें बहुत पसंद है ना? जब माँ ने मुझे राजकुमारी रेणुका के बारे में बताया तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। इस प्रकार हमारे विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। अपना घर बसाने के लिए ये सब उपहार स्वरूप दिया ही जाता है। यदि ये प्रथा है भी तो इसे अभी से बंद कर देना चाहिए। मैं यहाँ से बहुत कुछ ले जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद, माँ के दिए हुए संस्कार। आज मैं अपने जीवन का सबसे अनमोल धन विदा कर रहा हूँ। तू पुत्री नहीं, महालक्ष्मी है। राजकुमारी होकर भी रेणुका ने आश्रम का साध्वी वाला जीवन कुशलतापूर्ण निभाया। आश्रम के दैनिक कार्य करते हुए भी रेणुका ने कभी भी शस्त्राभ्यास नहीं त्यागा। लाओ मुझे तो इतना भी कष्ट मत उठाओ। गृहस्थी केवल स्त्री संभालती है, ऐसा तो किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। इसमें पुरुषों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए।